नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चिराग पासवान को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा मोदी के खिलाफ आवाज उठाने के, मोदी के खिलाफ या मोदी की नीतियों के खिलाफ खड़े होने के। और ये छोटा मोटा खामियाजा नहीं होगा। चिराग पासवान को संसद से बाहर करने के तरफ कदम बढ़ाया जा चुका है। चिराग पासवान की संसद की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता खारिज करने की दिशा में एक्शन शुरू हो चुका है। ये पूरी कहानी, एक एक कड़ी, एक एक फैक्ट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजीव कुमार के आयोग, तीनों जगह पर दरख्वास्त हो चुकी है, तीनों जगह। किरदार का नाम सबसे पहले बताते हैं। किरदार जो चिराग पासवान की लोकसभा सदस्यता रद्द करवाने के लिए एक साथ पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजीव कुमार के आयोग यानी ईसी तीनों जगह पहुंचे हैं, इनका नाम है राकेश सिंह। भाजपा के पुराने नेता हैं। और मैं यही बता दूं कि ये खुल करके कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ चिराग पासवान ने बयानबाजी की, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, इसीलिए वो इनको संसद से बाहर बिठाना चाहते हैं, संसद से बाहर करवाना चाहते हैं। राकेश सिंह को समझिए आप, और चिराग पासवान को भी समझना पड़ेगा बीजेपी के साथ चलने वालों के साथ क्या होता है। जिस चिराग फॉर्मूले का इस्तेमाल मोदी ने किया था नीतीश कुमार के खिलाफ, उसी चिराग फॉर्मूले का हिस्सा थे राकेश सिंह। राकेश सिंह को भाजपा में रहते हुए 2020 में राकेश सिंह भाजपा में ही थे, मैंने बताया पुराने भाजपा ही हैं, भाजपा में थे, उसके बावजूद चिराग मॉडल, चिराग फॉर्मूले के तहत राकेश सिंह को जहानाबाद की घोसी विधानसभा सीट से एलजेपी का टिकट दिया गया था और एलजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में आए थे जब नीतीश को निपटाना था। और उस दौर में आपको याद होगा भाजपा के बहुत सारे नेता भाजपा में रहते हुए एलजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में आए थे और नीतीश कुमार को पहुंचा दिया था 75 से 43 पर, आधा कर दिया नीतीश कुमार की स्ट्रेंथ, नीतीश कुमार को कमजोर करने वाले फॉर्मूले के तहत। लेकिन अब चिराग पासवान को समझ में आ गया इस केस के बाद, आ जाएगा अगर नहीं आया है, कि भाजपा के करीब रहना और मोदी के चरणों में रहना, मोदी चालीसा पढ़ना कितना नुकसानदेह हो सकता है। आपको अपने आजादी से अपना रास्ता चुनने का हक नहीं रह जाएगा, आपको वही बोलना होगा जो मोदी चाहेंगे और भाजपा चाहेगी। अब ये मामला हम आपको बताते हैं। तीन गंभीर आरोप हैं, तीन गंभीर आरोप लेकर के गए हैं पटना हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजीव कुमार के आयोग। पहला आरोप है व्यभिचार, जिसको हम लोग, आप शब्द समझ जाएंगे, व्यभिचार हम लोग YouTube में एक शब्द की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें धारा 376 लगा करती थी नया वाला विधान आने के पहले। उसमें सेकेंड रेस्पोंडेंट यानी दूसरे आरोपी हैं चिराग पासवान। यह जो है ये मामला, पहला आरोप ये लगाया राकेश सिंह ने, और पूरा उन्होंने इसका पूरा इतिहास बताया कि 2021 में दरअसल एलजेपी की एक महिला कार्यकर्ता ने चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज पर व्यभिचार का आरोप लगाया था और इसकी शिकायत करने वो चिराग पासवान के पास गई तो चिराग पासवान ने कहा कि पुलिस के पास जाओ। इसके बाद तमाम चक्कर काटते काटते मामला दर्ज हुआ राउज एवेन्यू कोर्ट, जो है राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज हुआ व्यभिचार का। उसमें मामला प्रिंस राज पर दर्ज हुआ मुख्य आरोपी के तौर पर, लेकिन महिला ने फिर आरोप लगाया कि चिराग पासवान ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, सबूत मिटाए हैं, तो सेकेंड आरोपी के रूप में चिराग पासवान पर मामला दर्ज हुआ। ये राकेश सिंह के आरोप है और राकेश सिंह के मुताबिक 13 अगस्त को पेशी थी, पेश होने के लिए 2 तारीख को नोटिस दी गई थी, वकील के जरिए पेश भी हुए थे और अगली तारीख भी लगी है। इस मामले में ये पूरा का पूरा मामला व्यभिचार से जुड़ा हुआ कनाट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज है। हाई कोर्ट से इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी राकेश सिंह बताते हैं कि उन्होंने निकाला है और सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके इन्होंने पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और
राजीव कुमार के आयोग तीनों जगह दिया है। ये था पहला आरोप। एक साथ आरोपों की झड़ी देखिए, सिर्फ जातीय जनगणना के मामले पर मोदी के रुख से अलग खड़े हो गए थे चिराग। लिटरल एंट्री पर चिराग पासवान ने मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया था, उसके खिलाफत की थी। देखिए अंजाम क्या होता जा रहा है। दूसरा आरोप है कि हलफनामा में, पहला आरोप कि इतना गंभीर मामला अपने चुनावी हलफनामे में ये इसका इसकी जानकारी चिराग पासवान ने नहीं दी, जो व्यभिचार वाला मामला है, इतने गंभीर मामले की जानकारी नहीं दी, ये पहला आरोप है। दूसरा है कि हलफनामे में अपनी संपत्ति छिपाई है, जबकि चिराग पासवान के पास बड़ी संपत्ति है। चिराग पासवान ने सिर्फ एसके पुरी में, जो पटना में उनका घर है, सिर्फ हलफनामे में वही बताया है, जबकि खगड़िया में शहर बन्नी, जो उनका पैतृक घर है, वहां 80 एकड़ जमीन चिराग पासवान के पास है, उनके परिवार के पास है, अभी बंटवारा भी नहीं हुआ है। बंटवारा होगा तो 25-30 एकड़ तो चिराग पासवान के हिस्से में आएगी, इतनी बड़ी संपत्ति है। और यह संपत्ति हलफनामे में चिराग पासवान ने छिपाई है। अब आते हैं हम तीसरे आरोप पर, इसके बाद बताएंगे केस सिर्फ गया नहीं है, इस केस में आगे प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। तीसरा आरोप है कि अपनी डिग्री के बारे में, अब डिग्री की बात होती है तो तुरंत कोई और चेहरा दिमाग में आने लगता है देश में सबके, लेकिन फिलहाल जिस चेहरे के बारे में लोग सोचते हैं उस चेहरे के बारे में कोई चर्चा नहीं कर सकता, ना उसकी डिग्री की चर्चा कर सकता है। अभी फिलहाल चिराग पासवान की डिग्री की बात है। चिराग पासवान की डिग्री को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि ये फर्जी है। जिस झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जो है उन्होंने बीटेक की डिग्री, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये जो कॉलेज है, इससे 2005 में बीटेक खुद को बताया है चिराग पासवान ने, लेकिन राकेश सिंह के मुताबिक कभी वो कॉलेज में देखे ही नहीं गए, उनका अटेंडेंस नहीं है चिराग पासवान का कॉलेज में, अटेंडेंस जीरो है, यानी ये डिग्री फर्जी है। ये एक साथ तीन आरोपों से, तीन तरफ से चिराग पासवान को राकेश सिंह ने, भाजपा के पुराने नेता ने घेरा है। अब मैं फिर उस बात पर आता हूं, फिर कहां तक ये मामला पहुंचा, ये मामला आगे बढ़ चुका है। इस मामले में चिराग पासवान ने जो है रेस्पोंडेंट बनाया है तीन लोगों को, एक तो ईसी को, राजीव कुमार के आयोग को, दूसरा हाजीपुर के डीएम को, क्योंकि हाजीपुर से ही चुनाव जीत करके आए हैं, और जिस प्रिंस राज पर पहले वाले मामले में मुख्य आरोप है वो समस्तीपुर से 2019 में जीते थे, तो राजीव कुमार के आयोग और हाजीपुर के डीएम और तीसरा रिटर्निंग ऑफिसर, इन तीनों को रेस्पोंडेंट बनाया है। और इनकी अपील जो है राकेश सिंह की, ये अपील डायरी हो गई है, डायरी नहीं हुई है, टोकन नंबर भी मिल गया है। जो अदालती प्रक्रिया को जानते हैं वो लोग समझते हैं होंगे कि डायरी हो जाना और टोकन नंबर मिल जाना, यानी इस पर कदम बढ़ चुके हैं। जैसे मेनका गांधी गई थी सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के निर्वाचन के खिलाफ, तो उस मामले को खारिज कर दिया गया था, लेकिन ये मामला खारिज नहीं किया गया है, इस मामले पर आगे स्टेप बढ़ चुके हैं। अब राकेश सिंह पर आते हैं। राकेश सिंह ने साफ साफ कहा, ये मैं भास्कर के रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहा हूं, भास्कर के ने राकेश सिंह से इस मसले पर बात की, तो राकेश सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि चिराग पासवान की कोई हैसियत नहीं है, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की हैसियत थी, उस दम पर जो है ये राजनीति कर रहे हैं और मोदी के चेहरे पर जीत के आए हैं, इनकी औकात नहीं है चुनाव जीतने की, मोदी के चेहरे पर जीत के आए और अब मोदी की खिलाफत कर रहे हैं, संविधान पीठ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो है खड़े होकर के मोदी का विरोध कर रहे हैं, मोदी को झुकाने की और दबाव में लेने की राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति करने वाले को मैं कतई नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि राकेश सिंह ने ये कहा, ये बात साफ कर दें, कहा कि मुझे ऊपर से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन ये कहने की जरूरत क्या थी ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये बताने की जरूरत क्या थी ऊपर से इंस्ट्रक्शन नहीं है, यही दाल में काला के बजाय पूरी दाल काली की तरफ इशारा करता है। और आपको पता होगा कैसे कैसे याचिकाएं लगती हैं,
कहीं से भी। अब देखिए प्रेशर की पॉलिटिक्स कहाँ से थी, चिराग पासवान पर लगातार पिछले 4-5 दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। चिराग पासवान झारखंड गए, रांची में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, अध्यक्ष चुने गए, वहां पर उन्होंने सरना कोड की बात की। बीजेपी सरना कोड वो बिल है जिसमें आदिवासियों की जान अटकी है, आदिवासी बहुत शिद्दत से चाहते हैं सरना बिल को, सरना कोड को, सरना कोड को। और हेमंत सोरेन की सरकार ने विधानसभा में इसे पास किया, लेकिन दिल्ली वाली मोदी की सरकार ने इसे अटका रखा है। चिराग पासवान ने इस बिल का समर्थन किया, सरना कोड का समर्थन किया, और साथ ही कहा कि अगर अकेले भी चुनाव लड़ना पड़ा तो हम झारखंड में विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। जातीय जनगणना का समर्थन खुल करके किया, राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने लेटरल एंट्री पर खुल करके मुखालफत की सरकार की, और उसी का ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि राकेश सिंह साहब बोल रहे हैं कि भाई ये मोदी की खिलाफत करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यानी मोदी की खिलाफत, आप करीब होने के बाद आपको क्या मिल रहा है मोदी की खिलाफत का, संसद से बाहर होना पड़ सकता है। ये तीन आरोप एक साथ तीन आरोप लेकर के गए हैं, इन तीनों आरोपों में, और सबसे बड़ी बात है कोर्ट ने कदम बढ़ा दिया, इस मामले को खारिज नहीं किया गया है। अब साथ साथ एक और बात चल रही थी कि भाजपा ने चिराग के रुख को देखते हुए चिराग की पार्टी में एक बड़ी सेंधमारी भी कर ली है। तीन सांसद जो है, चाहे वो वीणा देवी हो, चाहे वो राजेश वर्मा हो, तीन सांसदों को करीब करीब अपने खेमे में ले लिया है। वो टाइमिंग कब होगी, कब पार्टी टूटेगी, ये तो वक्त की बात है। आप चिराग पासवान का इस्तेमाल कैसे किया इस बात को तो आखिर में 2 मिनट में समझ लीजिए। ये चिराग पासवान चुनाव जब होता है, यानी जब पासवान और दलित वोट चाहिए होते हैं, तब ये मोदी जी की जरूरत होते हैं। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर एक रबर स्टाम्प चाहिए होता है, तो पशुपति पारस काम के हो जाते हैं। पशुपति पारस के घर दिलीप जायसवाल का जाना, पशुपति पारस का अमित शाह के पास आना, बुके देना, ये सब अब लोगों के नॉलेज में आ चुका है पिछले 3 दिन के भीतर, ये सारा घटनाक्रम। चुनाव के पिछले 2019-24 के कार्यकाल में चिराग पासवान को बिल्कुल पैदल कर दिया, 5 सांसद कर दिया, वो ऑपरेशन किसका था सबको पता है बिहार में। पशुपति पारस के पास, वो पशुपति पारस जिनके पास अपना जनाधार के नाम पर कुछ भी नहीं है, और पशुपति पारस 5 सांसदों के मुखिया हो गए। जब चुनाव आया तो पशुपति पारस को ढक्कन कर दिया, जिसको कहते हैं पैदल कर देना, पैदल कर दिया, और फिर से चिराग पासवान को साथ में खड़ा कर लिया, कंधे में हाथ रख दिया चिराग के। चुनाव में फिर 5 सांसद 100% स्ट्राइक रेट के साथ चिराग के साथ जीत करके आए, और फिर से वो चुनाव जीतने के बाद ही एक बिहार के नेता ने कहा था, मैंने मतलब मेरे कानों सुनी बात, कि पशुपति पारस, जब ये बात आई कि पशुपति पारस एक्टिव हो गए, तो उस नेता ने कहा कि पशुपति पारस एक्टिव कब थे नहीं, आप लोग को अभी एक्टिव लग रहा है, इसका मतलब आप लोग देख नहीं पाए। यानी चुनाव के नतीजे आते ही पशुपति पारस को एक्टिव कर दिया गया था कि अब तुम्हारी उपयोगिता है, चिराग की का यूज खत्म हो गया, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब देखिए उसी तरफ पशुपति पारस, अमित शाह, दिलीप जायसवाल और सब सारा तय हो चुका है, 3 सांसद भी अपना रास्ता अख्तियार कर चुके हैं, लेकिन चिराग पासवान को संसद में, ये मोदी जी की आंखों में खटकने वाली बात है, संसद में शायद अब आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब एक तरफ से मोर्चा खोल दिया गया है और 3 तरफ से घेरा गया है, यानी चौतरफा चिराग पासवान को घेरा गया है, सिर्फ संसद से बाहर करने के लिए, लोकसभा से बाहर करने के लिए। ये है चिराग पासवान से जुड़ी खबर। अभी आप हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए, नमस्कार।